खबर इंदौर से है। इंदौर के विजयनगर इलाके में बदमाशों ने एक फोर व्हीलर वर्कशॉप के मालिक के घर तोड़फोड़ की थी। शाम को वर्कशॉप मालिक को धमकी देने के बाद आरोपियों ने रात में घर और बाहर खड़ी कार को निशाना बनाया और कार के कांच फोड़ दिए। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आधा दर्जन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामले में आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने प्रदीप परिहार निवासी विजयनगर की शिकायत पर राहुल पाल, सिमी पाल और उसके साथियों के खिलाफ धमकाने, तोड़फोड़ करने और मारपीट करने के मामले में केस दर्ज किया है। आरोपियों ने घर पर पत्थर फेंके जिससे खिड़कियों के कांच फूट गए। बाहर खड़ी कार नंबर MP09CK4457 में तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, प्रदीप के पिता जीवन सिंह परिहार को बाहर लेकर आए और उनके साथ मारपीट करने लगे। जब प्रदीप बचाव करने आए तो आरोपियों ने उन्हें भी पीटा। प्रदीप ने बताया कि राहुल उनका पूर्व का परिचित है। काम के सिलसिले में काफी समय पहले राहुल ने 30,000 रुपये उधार लिए थे। इसमें से राहुल ने 10,000 रुपये चुका दिए थे, लेकिन 20,000 रुपये वापस लेने के लिए वह आनाकानी कर रहा था। रविवार को राहुल के पास रुपये मांगने गए तो उसने नहीं देने की धमकी दी। इस पर प्रदीप पुलिस में शिकायत करने का कहकर घर आ गए। दूसरे दिन रात में राहुल अपने भाई और दोस्तों के साथ प्रदीप के घर पहुंचा और एकाएक हमला कर फरार हो गया।